डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अर्ली चाइल्ड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन टर्की हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टर्की के अंदर हम इससे पहले मुख्तल की बात कर चुके हुए हैं टर्की के अंदर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो है जब स्टैब्लिश किया गया तो उसमें जब फोकस किया गया टीचर्स को तो टीचर्स के हवाले से टीचर्स की ट्रेनिंग को भी फोकस किया गया उस हवाले से एच ने यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कोर्सेज बच्चों को ऑफर करवाए जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि दे हैव हाँ टू तो टीच एट ई क्योंकि हम इससे पहले बहुत सारी बातें की हैं जिसके अंदर आपसे डिस्कस हुआ है कि ई के अंदर हमने जो बच्चों को टीच करना है उनका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो लिटिल बिट डिफरेंट है उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमने बच्चों के अंदर कंपिटेंसीज डिवेलप करनी है उनका असेसमेंट टेक्निक्स वो डिफरेंट है उनकी कोगनेशन डेवलपमेंट वो डिफरेंट है उनका बिहेवियरल डिवेलपमेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट है इसलिए जो टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जिसने आगे जाकर इसी के बच्चों को पढ़ाना है वो डिफरेंट होगी उन टीचर के मुकाबले में जिन्होंने एलिमेंट्री में पढ़ाना है या सेकेंडरी में पढ़ाना है या वो कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इनकी ट्रेनिंग उनके अलावा उसके हिसाब से थोड़ी मुख्तल है इस वजह से तर्की ने जब इसी को लॉन्च किया तो इसी को लॉन्च करते ही उन्होंने एच ने यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचर्स की ट्रेनिंग को भी अरेंज किया इसके अंदर उन्होंने अगरचे इंटीग्रेट किया उन्होंने इस बात को सामने लेके आया कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो है बच्चों को जो रिक्वायरमेंट है यानी इंटीग्रेशन है किसकी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की अर्ली चाइल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर हम उसके जो बिहेवियरल पार्ट है उसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे उसके कॉग्निशन के पार्ट को कैसे एड्रेस करेंगे उसके स्किल्स को कैसे एड्रेस करेंगे यहाँ पे क्योंकि कम्पिटेंसीज की बात होती है हम उसकी कम्पिटेंसीज को कैसे एड्रेस करेंगे इसके लिए जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया उस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एच ने मुख्तलिफ़ कोर्स उनको इंट्रोड्यूस करवाए उन कोर्सेज के अंदर दो चीज़ों को गौर किया गया एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और दूसरा ई को अगरचे जब हम इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो मुख्त हमारे गोल्स बने हैं उनकी बात करते हैं उनको डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं किया गया यानी टीचर्स के कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया गया टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया गया लेकिन उनको पढ़ाने की जो स्ट्रेटी है उसके हवाले से उन्होंने कोर्सों के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज जो है वो जो ई सी के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई उनके ट्रेनिंग मेड्यूल के अंदर जो है फोकस किया गया कि वो जो बच्चे हैं जो कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है जिसकी एज थ्री टू तो फाइव ईयर्स है उस लेवल के अंदर उनके अंदर जो डिवेलमेंटल प्रोसेस होने हैं उस डिवेलमेंटल प्रोसेस को सामने रखते हुए उनकी ट्रेनिंग की जाए तो दो लिहाजों से बेहतर था एक इस लिहाज से बेहतर था कि इसी के बच्चे जिनकी एज तीन से पाँच साल है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो टेक्निक उनको सिखाई गई लेकिन दूसरी तरफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको बाकायदा तौर पर निसाब का हिस्सा नहीं बनाया गया यानी दूसरे लफ्जों में आप इसको यूं समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको कोर्सेस के दौरान उनको पढ़ाया नहीं गया अगरचे उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स थी जो कोर्सेज थे या उनके पढ़ाने की जो स्ट्रैटेजी थी या जो कह लें उनका मेथड था वो तो बच्चों को समझा दिया गया कि जी आपने टीचर बनने के बाद इसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से उनको प्रॉपर उनके सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया उसके अंदर उनको इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं बताए गए उसके अंदर उनको इकोनॉमिक इश्यूज नहीं बताए गए उसके अंदर उनको ये नहीं पढ़ाया गया टीचर्स ट्रेनिंग के कोर्स के अंदर उनको नहीं पढ़ाया गया कि उन्होंने बच्चों को जब इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर बात करनी है तो उन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या पढ़ाना है उसकी वजह यह है कि उनको टेक्निक समझ आई गई उनको जो कंटेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंटेंट है वो नहीं उनको बताया गया ये अंदाजा ये उनको अंदाजा हो गया कि हमने अपने बच्चों को जो टीचिंग ट्रेनिंग करनी है जो हमने अपने बच्चों को इसी के बच्चों को पढ़ाना है उसके अंदर ये चीज़ें ये ये चीजें शामिल होंगी लेकिन उनके कोर्स के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कोर्स जो कि एच ने अनाउंस किया और जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया गया उसके अंदर इनको एज ए कोर्स सब्जेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शामिल नहीं किया गया